एक माँ जिसे जननी भी कहा जाता है, क्या हो अगर वही जान लेने पर उतारू हो जाए? अपनी ही कोख से जन्मी, प्यार दुलार से पाली गई औलाद की जान की दुश्मन बन जाए, तब होती है गुनाह की हर हद पार। आज गुनाह के इस एपिसोड में ऐसी ही हत्यारन माँ का सच आपको बताएंगे। उन्नाव के लखनऊ कानपुर हाईवे पर कानपुर के एक युवक का शव कुएं में मिला। शव की तलाश पहले से ही जारी थी और मामले में पुलिस ने करीब 1.5 महीने बाद हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि बेटा मां के प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहा था, इसलिए मां ने भाड़े के शूटर से हत्या करा दी। बेटे की हत्या कराने के लिए मां ने अजमेर में रहने वाले अपने प्रेमी की मदद ली, भाड़े के शूटर का जुगाड़ किया, योजना बनाई और हत्याकांड को अंजाम दे दिया। सोचकर भी हैरानी होती है कि बेटे की हत्या कराने के लिए एक मां ने भाड़े के शूटर को 2.5 लाख की रकम दी थी। मामले का पता कैसे चला, चलिए बताते हैं। कानपुर जनपद के थाना बापूपुरवा के अजीतगंज निवासी ताहिर के भांजे नदीम की 4 जून 2024 को हत्या कर शव उन्नाव अजगेन कोतवाली क्षेत्र के दरबारी खेड़ा गांव में एक कुएं में फेंक कर आरोपी फरार हो गया था। मामा ताहिर की शिकायत पर अजगेन कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच बढ़ती गई, पुलिस के हाथ अहम सुराग लगते गए। 1.5 महीने बाद अजगेन पुलिस SOG टीम सर्विलेंस टीम की मदद से हथियारों तक पहुंच गई। ASP प्रेमचंद ने उन्नाव पुलिस लाइन में हत्याकांड का खुलासा किया तो सब दंग रह गए। ASP के मुताबिक सर्विलेंस की मदद से राजस्थान अजमेर के मोहल्ला लोंगैया के रहने वाले सलीम को पुलिस ने 2 दिन पहले हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने सनसनीखेज खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि मृतक की मां आरफा बेगम राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हासम अली से प्रेम संबंध में थी। मां के प्रेम संबंधों में नदीम आड़े आ रहा था। इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति थी जो नदीम के नाम पर थी। आरफा संपत्ति को बेचकर प्रेमी हासम अली के साथ राजस्थान में शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन बेटा नदीम इसका विरोध कर रहा था। 50 साल की आरफा प्रेम में पागल हो चुकी थी, जिसके बाद उसने अपने सगे बेटे नदीम की प्रेमी हासम अली के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। मां ने शूटर सलीम को 2.5 लाख रुपए देकर 4 जून को बेटे की हत्या करा दी। आरोपी सलीम ने कानपुर में नदीम की धारदार हथियार से गले और चेहरे पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में शव को लखनऊ कानपुर हाईवे पर उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र में कुएं में फेंक कर फरार हो गया। खैर, जब मामले का खुलासा हुआ तो सभी दंग रह गए। फिलहाल आज गुनाह के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।